नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बीजेपी के घोषणा पत्र में गलती, लिखा है महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जा सके। भारतीय वायुसेना ने दिखाए 27 फरवरी को गिराए गए पाक F-16 के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। प्रत्यार्पण के आदेश के खिलाफ विजय माल्या की याचिका यूके हाईकोर्ट ने की खारिज। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के घोषणा पत्र में गलती, लिखा है महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जा सके। बीजेपी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के अंग्रेजी संस्करण में लिखा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जा सके, इसके लिए हमने कानून बदलने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं। यह गलती संकल्प पत्र में महिला सशक्तिकरण नामक चैप्टर में हुई। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट किया, बीजेपी के घोषणा पत्र में कम से कम एक बिंदु उनके मजबूत उद्देश्यों को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना ने दिखाया है 27 फरवरी को गिराए गए पाक F-16 के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोहराया कि 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना के MiG-21 के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान F-16 को मार गिराया था। एयर वाइस मार्शल कपूर ने इस दौरान सबूत के तौर पर भारतीय वायु क्षेत्र में घुसने वाले पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी पेश किए। प्रत्यार्पण के आदेश के खिलाफ विजय माल्या की याचिका यूके हाईकोर्ट ने की खारिज। यूके हाईकोर्ट ने भगोड़े अपराधी विजय माल्या के प्रत्यार्पण आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इससे पहले फरवरी में ब्रिटिश गृह मंत्री साजिद जावेद ने प्रत्यार्पण आदेश को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ माल्या ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि माल्या के पास अब यूके सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।